दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट जलालाबाद से आ रही है। जलालाबाद में भोले भाले लोगों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर उन पर बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज करवाने की एवज में ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पुलिस ने काबू किया था। उनका 7 दिन का रिमांड आज खत्म होने के बाद पुलिस द्वारा इन आरोपियों को जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया, जहां पर अदालत द्वारा उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी किए। आपको बता दें, पिछले दिनों हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों पर बलात्कार जैसे मामले दर्ज करवाने की धमकी देकर उठने वाले कुछ लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। उसके बाद एक नया मामला सामने आया था। अगले दिन फिर से पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। कुछ और औरतों व लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस द्वारा सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत द्वारा इन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। देखकर से पुलिस द्वारा बलात्कार जैसे संगीन मामले में भोले भाले लोगों को फंसाकर उसे रुपए ऐंठने वाले गिरोह पर कार्रवाई की गई है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों को नामजद किया है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इस मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी से, विधिवत से जानकारी दे रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। सर, आज इन्हें पेश किया गया कि मानयोग अदालत ने इन्हों 14 दिन के जुडिशियल रिमांड से भेज दिता सारे दोषियों को, फिरोजपुर जेल से बंद करवाने वास्ते। अच्छा जी। सर, ये जो 7 दिन रिमांड लिया से, उनके कुछ मनिया कि गलबात? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जी, हुण उधर रिवील नहीं किया जा सकता। 2 दोषी नामजद हुए हैं इन्हों की पूछगिछ तो, उन्होंने फड़न की कोशिश जारी है। ओके।